कि रेडियो को नुकसान पहुंचाया गया है, मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे आपके साथ दिली हमदर्दी है। और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमसे जो कुछ होगा, इस वक्त हम हुकूमत में नहीं बैठे, इस वक्त हम अपोजिशन में हैं, जो कुछ भी हम होगा हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। बैंक में हमने इसकी किस्तें जमा करवा रहे थे लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज ही कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आके कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन इधर काफ़ी बिल्कुल स्क्रैप बने पड़े थे। सामान हमारा सारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ सीढ़ी वाले ले गए थे, बाकी ये आप देख रहे हैं, ये लाइसेंस हमारे पास है, ठीक है जी, ये सारा कुछ स्क्रैप बना के चले गए हैं, ठीक है। हम तो 20 साल से तकरीबन यही हमारे साथ हो रहा है, पहली दफ़ा को ये 6 माह हुए हैं कि हमारे साथ एक अच्छा हुआ कि चलो बैंक में हमने इसकी किस्तें जमा करवा रहे थे लेकिन उसकी भी कोई असूलत नहीं मिली है। इन्होंने फिर वही रात को 2-3 बजे आके सारा कुछ स्क्रैप बना दिया, उल्टा हमें कर्ज ही कर दिया 3-4 लाख रुपए का। हम तो सोच रहे थे ये आके कुछ हमें असूलत देंगे, कोई हमारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन कोई। कितने माह से किस्तें दे रहे हैं आप इसकी? हम तकरीबन 6 माह से किस्तें दे रहे हैं। और कितनी बाकी हैं अभी? तकरीबन 6 माह की, 1 साल की बाकी हैं किस्तें। यहाँ टोटल कितने ठेले थे ऐसे? तकरीबन इधर 30 से 35 ठेले थे। इंशाल्लाह। और जो लोग रेडीबान भाई नहीं है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारी रेडीबान भाइयों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। आज जिन लोगों की रोजी पे लात मारी गई है, ये माशरे के सबसे पिसे हुए लोग हैं। ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाना चाहते थे, रेड़ियां लगाते हैं बाज़ारों में, और कई दहाइयों से ये बड़ी सहूबतें झेलते हैं। दुकानदार इनसे भत्ते लेते हैं, सीडीए वाले और जो भी इंतज़ामिया होती है इनसे भत्ते लेती है, पुलिस इनको तंग करती है, और ये बेचारे अपनी छोटे छोटे ठेले लगा कर और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोज़ी कमाते हैं। ना इनको लाइसेंस दिए जाते थे, ना इनको प्रोटेक्शन दी, हिफाजत दी जाती थी, इस्तेसाल इनका बहुत अरसे से होता था। तो इमरान खान साहब ने हमें कहा कि इनके लिए आप एहसास रेडी बान का प्रोग्राम लाएं, इनको रेडियां दें, उसके साथ लाइसेंसेस दें, और लाइसेंस के साथ साथ इनको, ताकि इनका तहफ़ हो, इनकी हिफाजत हो, कोई इनका इस्तेसाल ना कर सके, कोई इनसे भत्ता ना ले सके, कोई बदउनवानी का काला कमाओ। और आहिस्ता आहिस्ता हमने रेडियां लगाई G10 में, G11 में, I-10 में, F-11 में। प्रोग्राम ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद थी कि हुकूमत जो है वो आप लोगों की हालत ज़ार देख कर इस काम को बंद नहीं करेगी। महंगाई है, महंगाई